प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा मंगलोर के गुरुकुल नारसन में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें 14 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के लगभग 150 खिलाड़ियों ने कबड्डी सहित दौड़, खो खो, हाई जंप और लॉन्ग जंप खेलों में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सभी खेलों में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। इस खेल महाकुंभ के दौरान विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और इनाम की राशि देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद चंद पांडे ने बताया कि हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी सरकार के द्वारा खेलों के माध्यम से युवाओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मैं बहुत खुश हूँ पहला स्थान प्राप्त कर और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नेशनल पर भी पहला स्थान ही प्राप्त करूँ, और इसमें मेरे घर वालों और कोच का बहुत सहयोग रहा है और आगे भी मैं शायद ऐसे ही खेलूं। और मेरा मैं टिकोले का निवासी हूँ, नारसन ब्लॉक में खेल रहा हूँ। बहुत अच्छा मुकाबला रहा और सभी खिलाड़ी अच्छे खेल रहे थे। खेल महाकुंभ का उद्देश्य जो है वो प्रदेश में खेल के माहौल को बनाना है, और जैसा आप जानते हैं कि आजकल की जो है बहुत सारी कुरीतियों की तरफ बच्चे चले जा रहे हैं, कहीं ड्रग्स की तरफ चले जा रहे हैं, कोई जो है मोबाइल पे चिपका रहता है, तो उनसे उनको दूर लाकर फील्ड पे लाकर उनको स्वस्थ रखने का एक प्रयास है भारत हमारी सरकार का, इसमें चल रही है, कई सालों से योजना चल रही है। उसी क्रम में आज इस विकासखंड में विकासखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।